शिक्षकों को वो कुचलना चाहती है, सरकार शिक्षा को भी बेचना चाहती है। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। वाकई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं, शिक्षा का व्यापारीकरण नीति है। इसमें शिक्षा का व्यापारीकरण किया जाएगा और जो हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको बड़ी बड़ी एमएनसीज, अडानी ये लोग खरीद लेंगे और फिर जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा ग्रहण करनी बहुत मुश्किल हो जाए। जी क्या सिर्फ बच्चों को ही, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने वाला है, उनको दिक्कतें पेश आने वाली है या फिर गुरुजनों को भी दिक्कतें आने वाली है? दोनों को, शिक्षा और शिक्षक दोनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने वाला है और यह नीति आने वाले समय में हमारे भविष्य पर पूरा कुठाराघात करेगी। और यह मैं बता दूं कि वह सरकार जो अपनी तानाशाही चलाती है, शिक्षकों को संयमित समझती है, शांत समझती है कि शिक्षक हमारी आवाज नहीं, मतलब शिक्षक हमारा विरोध नहीं कर सकते, हमारी अनैतिक नीतियों के विरोध में नहीं आ सकते, तो शिक्षकों को वो कुचलना चाहती है और इस शिक्षा का व्यापारीकरण करना चाहती है। इसके पीछे मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है? मैं सर बिल्कुल आऊंगा सर आपके पास, सरकार चाहती क्या है? इसके पीछे जो सरकार का मुख्य ध्येय है वो है सरकार का साइज छोटा करना। अरे ये चुनाव तो हमारे, इसको पूरे देश को जिस तरह रेलवे बेच दिया गया है, जिस तरह एयरवेज बेच दिया गया है, वैसे ही सरकार शिक्षा को भी बेचना चाहती है। और शिक्षकों की जो जायज मांग है, एमफिल पीएचडी की इंक्रीमेंट, हमारी ओल्ड पेंशन को बंद कर दिया है सरकार ने, आपने देखा होगा, और उसके कारण महाराष्ट्र में करारी हार हुई है और ये सरकार अभी भी नहीं समझ रही। मैं इस मंच से सरकार को चेताना चाहती हूँ कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये शिक्षकों ने अब ठान लिया है, गुरुओं ने ठान लिया है? जी जी, ये बिल्कुल ठान लिया है। और जो शिक्षक हित में बात करेगा, जो शिक्षा की बचाने की बात करेगा, हम उसी सरकार को लेकर आएंगे।